नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवर लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण के तोड़फोड़ पर रोक लगाने के लिए जिला कोर्ट में बुधवार को ही सुनवाई। हालांकि मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने नहीं दी है राहत। कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगाने से इनकार करते हुए 11 नवंबर के लिए तय की है मामले की सुनवाई। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को तोड़ना कर दिया है शुरू, लेकिन यहाँ पर काफी धीमी गति से चला है काम। सीएम सुक्खू ने दिया बयान कि नए अस्पताल खोलने के बजाय 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का डॉक्टर घर पर करेंगे उपचार। इसके लिए हिमाचल सरकार योजना कर रही है तैयार। आगामी बजट में योजना के लिए तय होंगे प्रावधान, ताकि बुजुर्गों को घर पर ही मिल सके निशुल्क उपचार। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 2800 जेबीटी, टीजीटी, सीएनवी की स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से भर्ती करवाने की है तैयारी। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास कई लंबित भर्तियों के चलते शिक्षा विभाग ने बनाई है नई योजना। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को शिक्षा निदेशालय ने पत्र भेजकर भर्ती करने की है सिफारिश। हाईकोर्ट ने राज्य में दवाइयों की गुणवत्ता मापने के लिए सरकार को क्यूआर कोड की व्यवस्था करने के दिए आदेश। कोर्ट से उत्पादन तिथि, एक्सपायरी डेट, जिस यूनिट में बनी उसका ब्यौरा, बैच संख्या और जिस कंपोनेंट से बनाई गई है दवा मिल जाएगी उसकी जानकारी, और कितने समय तक इसका किया जाएगा उपयोग इसका भी चल सकेगा पता। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 2500 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा के प्रत्यर्पण की तेज हो गई है प्रक्रिया। पुलिस ने गृह मंत्रालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करके दोबारा मंत्रालय को भेज दी है फाइल। सुभाष शर्मा को दुबई से लाया जाएगा भारत। आरोपी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के करीब 1.5 लाख निवेशकों से धोखाधड़ी का है आरोप। एम्स बिलासपुर वर्ष 2026 से रोबोटिक सर्जन करेगा तैयार। दिल्ली एम्स के बाद बिलासपुर एम्स रोबोटिक सर्जन तैयार करने वाला देश का बनेगा दूसरा स्वास्थ्य संस्थान। इसके लिए जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। इसके लिए अधिकतर उपकरण भी पहुंच चुके हैं एम्स। हिमाचल प्रदेश एचपीएमसी सेब से बनाएगा हार्ड वाइन। इसमें अल्कोहल की करीब 20% होगी मात्रा। एप्पल वाइन में 11.5% होती है अल्कोहल की मात्रा, जबकि एप्पल स्नैप्स में होती है 50%। एप्पल लिक्योर में अल्कोहल की मात्रा होती है कम, इसलिए इसे स्वास्थ्य के लिए माना जाता है फायदेमंद। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में कमरों की बुकिंग करेगी निजी कंपनी, और इसके एवज में निगम को करोड़ों रुपए देगी एडवांस। पर्यटन विकास निगम निदेशक मंडल की बैठक में बुकिंग का काम निजी कंपनी को सौंपने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। निगम के चेयरमैन ने की बैठक की अध्यक्षता। शिमला के उपनगर विकास नगर में आज सुबह होने से टल गया बड़ा हादसा। यहाँ एक प्राइवेट बस ड्राइवर को गाड़ी चलाते चलाते आ गया अचानक चक्कर। इससे सवारियों से भरी 3 गाड़ियों से टकरा गई बस। सूचना के अनुसार बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे पंथाघाटी से शिमला बस स्टैंड की तरफ जा रही थी प्राइवेट बस। जैसे ही विकास नगर पहुंची बस, तो ड्राइवर को आ गया चक्कर। इसे ड्राइवर ने बस पर खो दिया अपना नियंत्रण और वहां से गुजर रही 3 गाड़ियों से टकरा गई बस। बस में 25 से 30 थी सवारियां, सभी बताए जा रहे हैं सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 10 और 11 नवंबर को ऊंचे क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में 1 स्थान पर वर्षा की जताई है संभावना। प्रदेश में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक हुई है गिरावट। शिमला के मशोपरा में 3.2, धर्मशाला, नारकंडा और कुफरी में 2 डिग्री से अधिक, जबकि बाकी स्थानों पर उससे कम दर्ज की गई है गिरावट। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवर लाइव।